तो हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वे चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है और नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। लेकिन कल जो है मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि अब जो है एक नई सीरीज आएगी चैनल पे, जिसमें कि मैं आपको लोगों को एंड्रॉयड सेटअप के बारे में बताऊंगा। तो इसमें जो है बेसिकली हम ये देखेंगे कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है मेरे चैनल पे ऐसे लोग हैं जो कि ऑडियंस है मेरी, जो कि ये चाहते हैं कि मैं थीम्स दिखाऊं उन्हें। तो बेसिकली ये होता है कि हर एक फ़ोन के लिए अलग अलग थीम्स दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग स्मार्टफोन्स चाहिए। तो मेरे पास स्मार्टफोन्स ना होने के कारण मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लाया हूँ कि आप लोग एक एंड्रॉयड सेटअप बना सकते हैं अपने डिवाइस में। ज़रूरी नहीं है वो बेसिकली हर फ़ोन में काम करेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही फ़ोन में काम करेगा। तो इसमें जो है बेसिकली एंड्रॉयड लॉन्चर्स, आइकन पैक्स, वॉलपेपर्स और स्टेटस बार, हर चीज़ की कस्टमाइजेशन मैं आपको लोगों को बताऊंगा। और ये जो सीरीज़ है इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के फॉर्म में, तो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली मैं डेली या फिर हफ्ते में एक दो वीडियोस ऐसी लाऊंगा जिसमें आपको एंड्रॉयड सेटअप्स मिलेंगी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं काफ़ी सारी ऐसी कस्टमाइजेशन की चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, जिससे कि आपके फ़ोन को और भी ज़्यादा आप अट्रैक्टिव बना पाओगे। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आज का फर्स्ट कस्टमाइजेशन है, ये है एक एंड्रॉयड लॉन्चर, दो आइकन पैक और एक वॉलपेपर एप्लीकेशन। तो ये जो सेटअप आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्चर की। तो गाइस, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे लॉन्चर की। तो ये जो लॉन्चर है ये बेसिकली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और ये जो लॉन्चर है कोई नया लॉन्चर नहीं है, ये लॉन्चर आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। और ये लॉन्चर मुझे वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चर लगता है। अगर आप एक ऐसा लॉन्चर चाहते हैं जो कि स्मूथ हो, फास्ट हो और काफ़ी एक्यूरेट काम करे आपके लिए, तो ये जो लॉन्चर आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है एवी लॉन्चर और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और लाइटनिंग स्पीड के साथ काम करता है आपके डिवाइस में। तो कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो आप इस लॉन्चर का यूज़ कर सकते हो, और ये हर तरीके की तरह कस्टमाइजेशन सपोर्ट करता है अगर आप अपने डिवाइस को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। तो अब जो है मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, और साथ ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। साथ ही जो है आप देख सकते हो इसके जो है टोटली स्टॉक एंड्रॉयड जैसा फील आपको देखने को मिलेगा इस लॉन्चर के साथ। और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन भी नहीं है, यह छोटा है साइज़ में, जिससे कि आपके स्पेस भी ज़्यादा नहीं घेरता। कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है ये, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, और काफ़ी बढ़िया इसमें कस्टमाइजेशंस भी देखने को आपको मिल जाती हैं। तो अब जो है हम चलते हैं हमारे फर्स्ट आइकन पैक की तरफ, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, आइकन पैक की बात करें तो इस आइकन पैक का नाम है मिनी मा आइकन पैक, और इसका आइकन कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। आपको प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, इसका जो है डाउनलोड लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये लाइट है एप्लीकेशन, ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, आपके डिवाइस में ही आराम से आ जाएगा। और अगर आप कोई छोटा मोटा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि 16 GB या 32 GB फ़ोन जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब चलते हैं इसके लेआउट की तरफ। तो कुछ इस टाइप का लेआउट आपको देखने को मिलता है इसमें, और काफ़ी बढ़िया ये थीम के साथ मैच हो जाता है आपके लॉन्चर के साथ। तो एवी लॉन्चर ओपन करने के बाद मैं जो है सेटिंग्स में जाके इसको सेट कर देता हूँ, और सेट करने के बाद देखते हैं ये कैसा देखने को मिलता है। तो अब जो है मैंने इसका सेटअप कर दिया है, और बैक करने पर कुछ इस टाइप के आइकन्स आपको देखने को मिलते हैं इसके। अगर आप लोगों को डार्क आइकन पैक्स पसंद है तो ये आइकन पैक उन्हीं के लिए है। अगर आप आइकन पैक बढ़िया चाहते हैं अपने फ़ोन के लिए मिनिमलिस्टिक टाइप का, तो ये वन ऑफ द बेस्ट आइकन पैक है आप लोगों के लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आइकन पैक की तरफ, जिसका नाम है पिक्सल क्यू। पिक्सल क्यू एक स्टॉक एंड्रॉयड बेस्ड आइकन पैक है, और ये काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा अगर आप एंड्रॉयड 10 का अपना आइकन पैक चाहते हैं अपने फ़ोन में। तो ये जो है मैंने डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है इसका, और जो है नाम भी मैं साथ में लिख दूंगा, तो प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये भी एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथ है, और जो है इसका जो इंटरफेस है ना वो काफ़ी बढ़िया है, और इसके जो आइकन्स हैं और लेआउट है काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल ही एंड्रॉयड 10 जैसा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा इस थीम के आइकन पैक के साथ।
तो इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही जो है मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। करने के बाद इसका जो है लेआउट देखते हैं कैसा आपको देखने को मिलता है। अब जो है मैं बैक चले जाता हूँ होम स्क्रीन में, और जाने के बाद देखते हैं कैसा। तो कुछ इस टाइप के आइकन पर इसका आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको एंड्रॉयड 10 में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया ये देखने को लग रहा है। साथ ही जो है मैं एक और बात बता दूँ, अगर आप कुछ इस टाइप का सेटअप चाहते हैं तो वो जो है आपको सेटिंग्स करनी पड़ेगी एवी लॉन्चर की, उसके बाद ये जो है सेटअप कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे वॉलपेपर्स की तरफ। तो वॉलपेपर की बात करें तो वॉलपेपर का एप्लीकेशन का नाम है यूनिक वॉलपेपर। तो ये जो एप्लीकेशन है ये भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स इसमें देखने को मिलते हैं। शायद ही इस एप्लीकेशन के ऊपर किसी ने वीडियो बनाई हो, और इस एप्लीकेशन का यूज़ करके ना मुझे ऐसा लगा कि जैज अगर एप्लीकेशन आपने यूज़ करी हो ना वॉलपेपर की, उससे भी काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और इसकी जो कस्टमाइजेशन है ना तो काफ़ी अच्छी है, मतलब जो रीसेंट एप्लीकेशन है, और काफ़ी अच्छी अच्छी वॉलपेपर्स आपको इसमें देखने को मिलती है। इसमें जो है न्यूएस्ट टॉप रेटेड और एक और देखने को मिलता है जो कि रैंडम है। साथ ही जो है आपको कैटेगरीज वाइज भी वॉलपेपर्स देखने को मिलती हैं, जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस वॉलपेपर को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको जो है मैं सेट कर देता हूँ होम स्क्रीन में। एड्स आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन आप इसका यूज़ कर सकते हो विदाउट इशू। तो अब जो है मैं इसको सेट कर देता हूँ और चले जाता हूँ होम स्क्रीन पे। तो होम स्क्रीन में जाने के बाद कुछ आपको इस टाइप का लेआउट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया ये मैच कर रहा है आइकन पैक के साथ, और ये जो है वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन लगा मुझे वॉलपेपर का। इससे पहले भी मैंने वॉलपेपर ऐप पर वीडियो बनाई हुई है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हो, लेकिन ये जो है मुझे उनसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को लगा। तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जितने भी एप्लीकेशन है सबकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं काफ़ी सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना गाइज, और ऐसी वीडियोस मैं और लाऊं कि नहीं मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई कार्ड में मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें कि दो ऑप्शन है, आप चाहते हो ऐसा सेटअप्स लाऊं मैं या फिर नहीं लाऊं, तो आप उसमें बता सकते हो मेरे को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।